Oh mm -hmm. सारीणी हारिणी मोह सारीणी भाव बाधि सारीणी प्रामाणी छे उपमा प्यानी जेने तमारा खविते आपवाथी निज माति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाल ख्याल न थी पामताई जिनेश्वर ी तेणे जा चे गुरुराजताणि जी तेणे सव सिद्धे स्वसिद्धे खवीद दीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अनुपेक्षण तत्व विचार में कुंद कुंदाचार्य विरचित बारस सत शास्त्र संसार अनुप्रेक्षा का अनुचिंतन चल रहा पांच प्रकार के परावर्तन उनका स्वरूप समझा अब समझ करके उपदेश देते हैं ये पांच प्रकार के परावर्तन जीव क्यों करता है उसका कारण बताते हैं गाथा नंबर तीस आधी आधी लाइन सब बोल प्रश्न संख्या पिस्तालीस फोर्टी फाइव पुकलत्तनिमित्तम् पुत्रकलत्तनिमित्तम् अत्थम् अच्छ दीपावबोद्धिये अत्थम् अच्छय दीपाय बोद्धिये परिहृदि दयानं सो परिहरिहृ दयादानं सो जीवो भमदि संसारे जीवो भमदि संसारे पुत्रकलत्तनिमित्तम् पुत्रकलत् निमित्तम् अत्थम् अच्छय अजय दीपावबोधि अत्थम् अजय दीपावबोधि परिहरि दयादानं सो परिहरि दयादानं सो जीवो भमदि संसारे जीवो भमदि संसारे सब साथ में उत्त अज्जय दिपावबुद्धि परिहर दयादानं सो जीवो भवति संसारे हिन्दी अनुवाद त्रिपुत्र मोह वश ही धन है कमाता पापी बना विषम जीवन है चलाता तो दान धर्म तजता निज भूल जाता संसार में भटकता प्रतिकूल जाता जी जीव पुत्र कलत्र अर्थे धन कमाए पाप थी ते दया दान ती वटको तो देव बसंताप थी ते दया दान ती भटकतो देवभव संतापी अर्थ जो जी स्त्री पुत्रों के लिए पुत्र कलत्त निमित्तम जो जीव स्त्री पुत्रों के लिए नाना प्रकार की पाप बुद्धियों से धन कमाता है अत्थम अज्जयदी अथम अत्थम का मतलब होता है अर्थ अज्जयदी का मतलब होता है अर्जित करता है कैसे अर्जित करता है पाव बुद्धिये, पाप बुद्धि पाप बुद्धि से अनेक प्रकार की पाप बुद्धि से और क्या करता है परिहर दयादानम जो दया करना व दान देना छोड़ देता है सो जीवो भमदी संसार है वह जीव संसार में भटकता है अभी कमाता तो है क्या कमाता है उसको लगता है कि मैं धन कमाता हूं और कमा क्या रहा है वो पाप कमा रहा है किसके निमित्त से कमा रहा है स्त्री पुत्र आदि के निमित्त से जे जी पुत्र स्त्री निमित्ते पाप बुद्धि थी धन कमाए छे अने दया तथा दान छोड़े छे ते संसार माँ भटके कोई भी जीव या तो शरीर अब इसमें शरीर भी ले लेना अपने शरीर के लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और अपने घर वालों की वास्तव में उसकी किसी भी जीव की अपनी कोई इच्छा नहीं है इच्छा हमेशा पर के निमित्त से होती है अगर पर न हो तो इच्छा भी ना हो इसलिए पुत्र कलत्र उसके कारण से जीव की इच्छाएं पैदा होती हैं। अगर वो न हो तो उसको धन की जरूरत ही नहीं है साधुओं के न स्त्री है न पुत्र है न घर है तो वो पैसा कमाते हैं वो तो पैसा इसलिए नहीं कमाते और जब पैसा ही नहीं कमाना तो फिर आरंभ करना नहीं पड़ेगा परिग्रह होगा नहीं आरंभ नहीं होगा तो परिग्रह नहीं होगा परिग्रह नहीं होगा तो पाप नहीं होगा आरंभ करते हैं तभी तो पाप होता इसलिए पाप की जड़ क्या है आरंभ और परिग्रह ये पाप की जड़ है और वो किसके निमित्त से की जाती है अपने परिवार के निमित्त से की जाती इसलिए जो व्यक्ति परिवार नहीं बसाता है ना वो बहुत बड़े पाप से तो ऐसे ही बस जाता है वो चाहे दूसरा कुछ करे कि नहीं करे पर एक बड़े पाप से तो अपने आप बचता है जो दूसरों के निमित्त से होता है अब केवल अपने निमित्त से होने वाला पाप उसके होगा उसको खाना पड़ता है उसको कुछ सोना पड़ता है उसके लिए जो भी होगा पर जो दूसरों के लिए करता था वो तो और हमेशा एक स्वतंत्रता का एहसास रहता है इसलिए जो विवाह नहीं करते हैं और संसार के बंधनों में नहीं है उनका हमेशा वो हमेशा सुखी रहते हैं उनके सुख की अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। पर वास्तव में ज्ञान के संस्कार हो तो, नहीं तो वो घर परिवार से तो छूटा और दूसरी जगह से बंधन वहीं के वहीं है एक घर छोड़ा और दूसरे घर बनाया अपनेपन की बुद्धि नहीं है बुद्धि नहीं गई है ना इसलिए कहीं ना कहीं वो जुड़ जाता है वास्तव में ब्रह्मचारी तो उसका नाम है जो हमेशा ब्रह्म में रमता है त्यागी उसका नाम है कि जो हमेशा राग-द्वेष से मुक्त रहता है और राग-द्वेष पर के निमित्त से होते हैं। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप आंख बंद करके बैठे ही रहते हो आप क्या विचार कर हम तो आंख बंद करके बैठते हैं और हमको तो बहुत सारे विकल्प आते हैं। अंदर उछल बुझल होती है हमारे तो आपको ऐसे कोई विकल्प नहीं आते हैं तो उन्हें कहा नहीं हमको कोई विकल्प नहीं था हमारे शांति बनी रहती है ऐसा कैसा है आपके पास भी मन है हमारे पास भी मन है आपके भी हाथ पैर वगैरह ऐसा ही शरीर है हमारा भी ऐसा ही शरीर है आप भी हमारी तरह खाते पीते हो सब तो हमारा समान है और आपको विकल्प आते नहीं है और हम आग बंद करें तो विकल्प आते हैं आप आराम से बैठे रहते हो और रात रात भर बैठे रहते हो तो ऐसा कैसे संभव है तो उन्होंने कहा कि जिसका विकल्प आता है ना उन सब वस्तुओं को हम छोड़ चुके हैं जिसके कारण से विकल्प की उत्पत्ति होती है उन सब चीजों को हम अपने आत्मा से त्याग कर दिया विकल्प कहां से आए कोई वस्तु अब यहां बैठे हैं अपन और घर में कुछ रखा है तो विकल्प आएगा अभी बरसात आई कपड़े सुखाए तो विकल्प तुरंत आएगा बरसात आते अरे लोग कपड़ा आपने, अथवा देखा चाबी? यहां घुसाते हैं चाबी इधर हाथ गया चाबी नहीं है इसका मतलब ताला नहीं किया है ताला नहीं किया इसका मतलब रूम खुला है और खुला है इसका मतलब कोई कुछ भी ले जा सकता है अब इसको उथल पुथल हो रही है यहां बैठे बैठे स्वाध्याय चल रहा है और उसी बीच में उसको वहां के विकल्प क्यों क्योंकि कोई अपना छोड़ के आए और जहां हम अपना छोड़ के आए हैं वास्तव में अपना तो कुछ छोड़ के नहीं आए हम वहां अपने पन की बुद्धि छोड़ के आए कोई अपना तो छोड़ता ही नहीं है क्योंकि कोई अपना तो है ही नहीं क्या छोड़ेगा उस कमरे में ईट है पत्थर है पलंग है जो भी है रसोई का सामान है बर्तन है वो सब अपने थोड़ी है वो तो पुत गले सारे, सारे तो हम अपना तो कुछ छोड़ के नहीं आए उसमें अपने पने की बुद्धि छोड़ के आए इसलिए फिर यह अनाउंस होता है कि भाई कोई ना कक्ष वस्तु चोरी थी गई थी फिर वो विचार कया नंबर नो कक्ष होता हाँ। वो याद आता है फिर वो अगर अपना नंबर आ गया तो अपना नंबर अरे यार हमारे चोरी थे। और फिर ऐसा है कि नहीं अपना नंबर नहीं आए तो अपनी चोरी अपने को कोई दिक्कत नहीं हो भी होगी चोरी ये पाप बुद्धि है इसके कारण से विकल्प आते हैं और इसके कारण से जीव संसार में परिभ्रमण करता इसलिए हम धन वगैरह कमाते तो हैं भोगों के लिए चलो वहां तक भी स्वीकार कर लिया आप अपने शरीर के लिए आपके परिवार के लिए सब कमाओ कोई दिक्कत नहीं जितना करना पड़ता है पर जितना कमाते हैं उतना दिया भी करो देते नहीं तो बैलेंस नहीं रहता है पाप कमाया तो उसके साथ साथ थोड़ा पुण्य भी तो कमाना चाहिए पाप ही पाप कमाते रहो और पुण्य बिल्कुल ही कमाओ नहीं तो कहता है कि वो पाप बुद्धि से वस्तुओं का धन आदि का अर्जन तो कर रहा है और दान और दया नहीं कर रहा है क्योंकि जब धन कमाते हैं तो हिंसा है तो वहां अदया हुई और वहां कुछ ग्रहण कर रहे हैं इसलिए अत्याग हुआ अब उन दोनों के विपरीत करना है उस उन दोनों से पाप हुआ हिंसा और ग्रहण इन दोनों से तो पाप हुआ अब उसके विपरीत करेंगे तो क्या होगा पुण्य होगा अपने को तो भाई हिंसा की अब दया को पालन करो इतने जीवों को मारा अब कम से कम दया करके इतने जीवों का बचाव करो और इतना धरण ग्रहण किया अब उसमें से दूसरों को सहायता के लिए दिया करें तो बैलेंस होता है नहीं तो बैलेंस होता नहीं भी कमाता है व्यक्ति और ऐसा सोचता है कि मैंने अपनी मेहनत से कमाया मैं क्यों दूं तो किसी और के लिए नहीं देना है हमको अपने लिए देना है अभी यह भाव नहीं आ रहा है ना इसलिए दान देने में भी अहंकार आता है और दया पालने में भी अहंकार आता है। देखो मैंने इतने जीवों की रक्षा की, तूने दूसरों के लिए थोड़ी की अपने लिए की अपने आत्मा के रक्षण के लिए तू दया कर रहा है और अपने आत्मा के लिए अपने कल्याण के लिए दान दिया जा रहा है दूसरों के लिए थोड़ी दिया जा रहा है दूसरों का होता है तो ठीक है इसलिए दया और दान के भाव तो निरंतर होने चाहिए हर समय त्यागने की बुद्धि रहनी चाहिए ग्रहण करने की और समझो अब हम हर हमेशा दया और दान की बुद्धि रहेगी तो हम त्यागते ही जाएंगे त्याग करते जाएंगे तो एक दिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और जिस दिन कुछ नहीं बचता है ना वही मोक्ष है देते 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 सब खाली हो जाओ कुछ नहीं बचा फिर जो बचा वो क्या है आत्मा है क्योंकि हम क्या दे सकते हैं तो जो हमारा स्वरूप नहीं है ऐसा ही हम कुछ दे सकते हैं जो हमारा स्वरूप है ऐसा तो दे नहीं सकते ना हम अपने आत्मा में से निकाल करके एक भी गुण दूसरों को नहीं दे सकते अपने आत्मा की अनंत शक्तियां हैं उसमें से एक भी शक्ति निकाल के दूसरों को नहीं दे सकते दे क्या सकते हैं तो हमने जो कमाया है परद्रव्य जो अपना नहीं है अपने अपना स्वरूप भूत नहीं है ऐसे ही कुछ वस्तु को देते हैं, और वो हमारे लिए भार स्वरूप है वो आत्मा का भार बढ़ा रही है आत्मा के ऊपर आवरण रूपे इसलिए जो जो भी हमने पाप बुद्धि से मिथ्यात्व से कम है उसको दे दो धन भी दे दो सारा दे दो सब कुछ ये शरीर सब कुछ दे दो देते देते क्या बचेगा खुद बच जाएगा क्योंकि खुद को तो नहीं दे सकते ना अपन इसलिए त्याग को धर्म का धर्म उसका नाम है जो स्वभाव की सिद्धि करे और त्याग है वो स्वभाव की सिद्धि करता है क्योंकि त्याग हमेशा पर वस्तु का होता है और पर का आप निकाल दे जाओ अपने में से जितना है इतना बाकी कौन बचेगा बाकी जो है वही बचेगा स्व स्व रहेगा और पर पर चला जाएगा इसलिए का सर्व संग परित्याग इसलिए इसकी चार स्टेजें त्याग करने की चार प्रकार के प्रतिबंध है वो ग्रहण है और उन चार प्रकार के प्रतिबंधों का त्याग करना वही दान है वही त्याग है पहला कौन सा प्रतिबंध है लोक प्रतिबंध हमने इस संसार में जिसको भी अपना मान रखा है उसका त्याग कर क्योंकि हमको उन्हीं के निमित्त से विकल्प आते हैं जिसको हमने अपना मान रखा है सारे संसार को अगर हमने अपना मान रखा है तो सारे संसार के विकल्प आएंगे और हमने कुछ पदार्थ को अपना मान रखा है तो कुछ पदार्थों के विकल्प आएंगे ज्यादातर तो जीव को अपने जो घर परिवार वगैरह उसी को वो अपना मानता है उसी के ज्यादा विकल्प आते हैं अथवा उसके सगे संबंधी वगैरह और भी और वो जिस समाज में रहता है जिस देश में रहता है उसके विकल्प उसको आते तो सबसे पहले उसका त्याग करो अब समाज में जो होना हो लोक में जो होना हो जिससे मुझे बिना काम के उसके विकल्प करने असामाजिक कठिन लगता हो मोक्ष मार्ग में जरा कड़वी कड़वी वस्तु है उसमें जंगली बनाया जाएगा आपको उसमें आपको असामाजिक बनाया जाएगा उसमें आपको अव्यवहारिक बनाया जाएगा मोक्ष मार्ग संसार मार्ग में आपको सांसारिक बनाया जाएगा व्यवहार कुशल बनाया जाएगा सामाजिक बनाया जाएगा ये संसार का मार्ग है और मोक्ष के मार्ग में अवे तुम्हारा व्यवहार ओछो त्या अल्पभाषी था अल्पहा थाओ अल्प आवकारी था अल्प भावना दर्शावी ऐसा कहते गहने ये क्या है लोक प्रतिबंध बहुत किया भाई पचास साल तक किया और भी साठ साल तक किया समाज कान सब का सबका किया अब नहीं अब किसी और के विकल्प नहीं करने अब वहां से तो बच गया व्यक्ति देश कथा और राज कथा इसको छोड़ना ये लोक प्रतिबंध को त्याग कर देश कथा और राज कथा का त्याग करना ये लोक प्रतिबंध का त्याग करना है क्योंकि हम जगत से इसी दो से जुड़ते हैं या तो अपन देश दुनिया की बातें करते रहते हैं अथवा राजनीति की बातें करते हैं इसके लिए देश दुनिया की खबरें रखने की आदतों को त्याग किया जाए समझ में आ रही बात बिना काम की हम सब सूचनाएं रखते हैं बंगाल में क्या हो रहा है ने, कर्नाटक में क्या हो रहा है ने, दिल्ली में क्या हो रहा है ने, बिहार में क्या हो रहा है ना अमेरिका में क्या हो रहा है ना इंग्लैंड में क्या हो रहा है ना पाकिस्तान में क्या हो रहा है ना उस गांव में क्या हो रहा है इस गांव में क्या हो रहा है इस आश्रम में क्या हो रहा है ना उस आश्रम में क्या हो रहा है ना ये खबरें खूब रखते हैं इसलिए न्यूज समाचार देखना छोड़ दिया जाए तो लोक प्रतिबंध छुटेगा ये सब तरीके व्यवहारिक तरीके हैं बहुत एक बार एक महीने के लिए छोड़ के देखो कोई भी प्रकार का समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे हम किसी भी प्रकार का न्यूज नहीं देखेंगे करके देखो इसके परिणाम कैसे होता है हमारे श्री नितिन भाई का अनुभव उन्होंने ऐसा एक बार नियम लिया न्यूज नहीं देखने का कितने दिन तक एक वीक तक नहीं देखा एक महीना नहीं देखा बहुत रुचि थी उस रुचि को घटाने के लिए भाई के एक महीने तक न्यूज नहीं देखेंगे तुम्हारा अनुभव बताओ <laughs> एक महीने तक तो बड़ी शांति थी कोई विकल्प नहीं परंतु फिर रहा नहीं गया तो अभी फिर से लेने का अच्छी चीजों को क्यों छोड़ा जाए जिससे हमको शांति मिलती है उसको क्यों छोड़ा जाए एक महीने के बाद देखना बहुत अच्छा कम तो होना ही चाहिए अब धीमे धीमे देखो किसी चीज की आवश्यकता नहीं लगे ना वो करना नहीं बिना काम के विकल्प कुछ खबर नहीं हो के खबर हो तो भी हम जिएंगे अपने को दुनियादारी की कोई खबर नहीं हो तो हम नष्ट हो जाएंगे जिएंगे हम अच्छे से जीए अपने को यूं लगता है यार हम समाज में तो किसी की खबर नहीं हो तो क्या मजा जीने का अरे खबरों से मजा है जीने का बेखबर हो जाओ बेखबर से मैं ही जीने का मजा आता हाँ हाँ बीस साल से समाचार पत्र नहीं रहे बड़ी बात है वो बहुत अच्छा है रुचि खत्म कर दें सारे ये लोक प्रतिबंध त्याग करने का उपाय है अभी अभी अपन दान के ऊपर आ रहे हैं अभी विषयांतर नहीं हो रहा है कभी विषयांतर होता ही नहीं है बहुत सूक्ष्म जाओगे तो मूल पकड़ रहे हैं कहीं ना कहीं अब स्वजन प्रतिबंध को छोड़ना है तो कैसे छोड़ोगे अभी ये आएगी पुत्र कलत्र स्वजन प्रतिबंध को छोड़ना है तो अभी आप घर से दूर रहना सीखो अपने इष्टजनों से अपने परिवारजनों से अपने जो कुटुंबी जन हैं, उनसे अपरिचय करो इसलिए कम देखो स्वार्थी तो होने की बात नहीं कर रहे हैं हम अपने विकल्प कम करने के लिए कर रहे हैं इसलिए क्या करना है कि उसमें राग कम कर देना बिना राग के आप किसी के भी परिचय करोगे ना तो विकल्प का कारण नहीं बनेगा चिंता का कारण नहीं बनेगा शोक का कारण नहीं बनेगा आप हजारों से परिचय रखो ना कोई दिक्कत नहीं बिना राग के दुकान पे कोई व्यक्ति बैठता है सैकड़ों आते और जाते हैं रात को उनमें से किसी का विकल्प नहीं होता उसको पर अपने बेटे का कुछ भी हो गया तो दुकान पे बैठे बैठे वो हजार लोग आ रहे जा रहे उसके विकल्प आ रहे हैं उसको घर से समाचार में इसलिए परिचय भी दुख का कारण नहीं है रागात्मक परिचय है वो दुख का कारण तो अब स्वजनों में राग का त्याग किया जाए उनको भी ऐसे ही व्यवहार करना जैसे ये अन्य लोग हैं तो उनके विकल्प नहीं आएंगे और कोई अन्य व्यक्ति होता है उसको कोई दुख पड़ता है तो हम जैसे उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं वैसे ही इनको करना अपने मान के नहीं तो हमको चिंता नहीं होगी नहीं तो चिंता हो जाती नहीं तो कभी कभी ऐसा सुन के व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है कि अपने तो पड़ोस में क्या हो रहा है कोई खबर नहीं रखना भाई तो ऐसा नहीं है हमदर्दी रखना परंतु उनकी जातीय जीवन में बार बार इंटरफियर नहीं करना उनका अपना जीवन है अपना अपना जीवन है कोई आपत्ति आ जाए तो बता देना बाकी आप जियो और हम जियो बस बहुत अधिक रस रुचि नहीं लेना एक दूसरे में, तमारा श्रीमान जी केवा छे हमारा श्रीमान जी ऐसे ऐसे नहीं करने का जिसके जैसे है वैसे है तुम्हारे शो साग बनायु से हमारे शो साग बनायु से वही बातें होती है, एक दूसरे को तुम्हारे सासू जी के बाद हमारे सासू जी वही कंपेयर होता है सारा तो जिसके जैसे है वैसे है ऐसी किसी भी देखो विकल्प कम करना है ना तो किसी के भी निजी जीवन में मत जाओ ये बहुत मार्मिक वस्तु है किसी से भी प्रेम के संबंध रखो पर उसके अंतरंग वैयक्तिक जीवन में मत घुसो रुचि मत लो रस मत लो आप उसके व्यक्तिगत जीवन में रस लेने लगे ना तो समझो आप गए अब आपको विकल्प चालू हो जाएंगे उसके संबंध में इसलिए बहुत दूरियां बनाकर के सीमा बनाकर के हर किसी से रा मतलब एक भाई भाई में पति पत्नी में पिता पुत्र में सब में एक विशेष प्रकार की एक मर्यादा तो होनी ही चाहिए यहां तक ही हम हैं बस इसके बाद एक व्यक्तिक जीवन होता है हरेक का तुम उसमें रस मत लिया करो और तुम उसमें रस लोगे तो फंसोगे क्यों क्योंकि सबके जीवन में कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, और ये अपने तरीके से देखना चाहता है उसको यहां तक कि अपने गुरु के व्यक्तिगत जीवन में कोई रस मत लो वो किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं किसी के साथ क्या करते हैं उसको कौन मिलने आता है उसको क्या करते हैं कि कोई रुचि मत लो हमको जो प्रयोजन है वही उनसे लो बस सिद्ध बाकी आपका अपना आप जीवन है हमको कोई रस नहीं है उसमें जरा और जो रस लेने गए तो हमेशा आपको नकारात्मकता दिखे नेगेटिव वस्तु दिखेगी इसलिए किसी के भी इतने करीब नहीं जाना करीब जाओ कोई दिक्कत नहीं है व्यक्तिगत जीवन में कोई रुचि नहीं लेनी आपका अपना मामला है आपसे हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं व्यक्तिगत है सारी चीजें हमको तो आपसे जो लाभ हो रहा वो हमारे लिए प्रयोजन है बाकी हमको कुछ नहीं देखना है आप लोग ये भूल कर देते और इसलिए संबंध बिगड़ने लगते क्यों क्योंकि मर्यादा तोड़ते हैं जहां आपको नहीं जाना था वहां गए आप वहां पैर रखा आपने और वहां तो उसका अपना जीवन है उसकी अपनी योग्यताएं हैं उसका अपना वैयक्तिक सारी चीजें हैं उसके अपने उदय हैं उसके अपने परिणाम है सारा अपना है उसका और आप अपने अनुसार उसको ढालना चाहते हो वो ढलेगा नहीं कुछ का कुछ दिखेगा आपको मित्रता थी अब आपकी मित्रता का अभाव प्रेम का अभाव हो जाए कुछ चीजें अपने को विदेशी संस्कृति से भी लेने चाहिए वहां के लोगों में ये ज्यादा अच्छी चीज है कि वो एक दूसरे के व्यक्तिक जीवन में बहुत इंटरफेयर नहीं करते, जीने देते हैं तुम भी जियो हम भी जियो बस प्रेम पूर्वक एक दूसरे के प्रति निष्ठा को बनाए रखते हुए जियो बात बात में पूछा पूछी नहीं कर तमें हमने फोन क्यों करो छो अटला मोड़ा शाह मटाया शो करो छो को बात करो छो आप जी नहीं सकोगे और शंकाओं में और ऐसे ही घूमते रहेगा जीवन तुम्हारा तो जीवन है अपने संबंधों की पवित्रता को रखते हुए तुम जियो हमको कोई लेना देना नहीं ये ये स्वजन प्रतिबंध दूर करने का उपाय है ये क्या कर रहा हूं इतनी दृष्टियाँ होती है हमारे हर परिवार के सदस्य पर ये किधर जाता है क्या आता है किससे मिलता है वो साँसू जी होती है उनकी बहुओं पर बराबर दृष्टि कड़ी रहती है ये कहाँ जाती है क्या करती है किससे फोन करती है, है? क्या वो बहू रानी की उसकी सासू माँ के ऊपर गड़ी रहती है ये क्या करती है कितना करती है कैसे करती है काय को रुचि लेते हो भाई इसका अपना जीवन इसका अपना जीवन अपने को जब काम हो अपना काम हो जाना चाहिए દૂસરી બાત કે આપણે લીએ દૂસરા ક્યાં સોચતા રુચિ હમરે બસ ઉતના પર્યાપ્ત લો બહુ એ તમારા સામે તો ડાઇ ડાઈ વાતો કરે છે અને ઘણી પ્રશંસા કરે ને પાછળથી છે ને એ બુરાઈ કરે છે अब उसके है ऐसा उदय क्या किया जाए तो उसको ऐसा समझाना अगर कोई तो हमको वो पीछे से क्या करता है उससे कोई लेना देना हमारे सामने तो बड़ा अच्छा रहता है वो बस अपने लिए इतना पर्याप्त है ना और ज्यादा क्या चाहिए अपने को बाकी वो जो सोचता है उसके परिणाम उसकी बात है अपने को कोई बंद नहीं हो रहा है इसलिए कोई अपने सामने अच्छा है बस पर्याप्त है और वो कपट पूर्वक अच्छा है तो भी हमको इतना ही चाहिए बस अंदर कपट कर रहा है तो उसका नुकसान है ना अपना क्या अपना तो। जय प्रभु जय प्रभु।, प्रभु बस आप जैसे हो वैसे आप हाँ हो ऐसा रखेंगे तो ही हम इस स्वजन प्रतिबद्ध से अपने परिवार वालों में भी बहुत रस नहीं लेने का सबको स्वतंत्र छोड़ो और जहां अपने को ऐसा लगे कि न, अब इसको मेरी आवश्यकता है तुरंत उपस्थित हो जाओ फिर लगे कि अभी इसको मेरी आवश्यकता नहीं तुरंत छोड़ दो उसको क्योंकि बोर हो जाएगा वापस एक वो बच्चा होता है ना मम्मी को बड़ा राग होता है हमेशा वो चिपकाए रखना चाहती अरे वो बच्चा चाहता है कि थोड़ा मेरे को छोड़ो इतना प्रेम नहीं चाहिए उसको आप प्रेम का अतिरेक कर देते हो छोड़ते ही नहीं हो बेटा आ खाई ले फिर लोग अरे बेटे ने बहुत खाया बेटे को नहीं चाहिए बेटे को थोड़ा स्वतंत्रता दो मित्रों के साथ खेलने दो थोड़ा उसको हवा पानी फिर पर वो उधर मम्मी ना हूं तारे साथ आउछ मम्मी की जरूरत नहीं है उसको उसको मित्रों के साथ रहने किसी भी समय वो छोड़ती नहीं वो पति अपनी पत्नी को किसी भी से छोड़ता ही नहीं पत्नी अपने पति को छोड़ती ही नहीं अब आप छोड़ोगे नहीं वो बोर हो जाएगा नफरत करने लगेगा और उसको जब आप रहोगे तो ऐसा लगेगा भय लगेगा आपसे भयभीत रहेगा वो, डरा डरा सा रहेगा और फिर आपसे छुप छुप करके भागेगा आपसे इसलिए मेंटेन रखो हर चीज को स्वतंत्र और देखो कि इस समय इसको आवश्यकता है तुरंत पहुंच जाओ अब यह अकेला नहीं रह सकेगा अब जरूरत पड़ेगी मेरी वहां पहुंच जाओ प्रेम से इसको प्रेम कहते हैं हमने प्रेम को समझा ही नहीं है हम भावनाओं के आवेश को राग को इन सब को अपन प्रेम नाम देते हैं ममत्व को प्रेम के दी प्रेम नहीं है स्वतंत्रता दो और जब उसको जरूरत पड़े उस समय उपस्थित रहो निष्काम भाव से ये प्रेम का लक्ष्य ऐसे तो प्रबुद्ध पुरुष ही प्रेम करते हैं और फिर शरीर का प्रतिबंध देहादि प्रतिबंध देह का इंद्रियों का ये सारा प्रतिबंध इसके कारण से हमको बहुत विकल्प आते कभी आंख खराब हो गई कभी कान खराब हो गए कभी पेट खराब हो गया कभी क्या खराब हो गया कभी बुखार आ रहा है कभी क्या हो रहा है वो इससे विकल्प बढ़ रहे हैं अपने कभी साता कभी असाता तो शरीर के प्रति अपने को धीमे धीमे उससे परिचय दूर करना कि इसको जैसा रहना वैसा रहे बहुत मित्रता ने बहुत विकल्प करना ये बिगड़ेगा ना इसका स्वभाव है शीरियंत इति शरीर जिनका शरण होता है विशरण होता है जीर्ण शीर्ण होता है उसी का नाम तो शरीर है बदलाव हर समय आएगा पर क्या करें? आओ तो मैंने कोई दिवस नहीं थे अरे भाई कोई दिवस नहीं हो ऐसा ही होगा। तो होगा आओ अभी वस्तु मैंने क्यारे चक्कर आया नहीं नहीं अरे कभी नहीं आए तो इसका मतलब थोड़े नहीं आएंगे अभी आएंगे सब नया नया ही होगा जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हर रोज नई नई अनुभूति आती जाएगी तो। इसलिए उसको उसी के खाते में डालो इस शरीर का काम है उस शरीर के खाते में आत्मा को अपने से अलग कर दो और हम साथ रहते हैं तो तुम थोड़ा मेरा ध्यान रखो हम आपका ध्यान रखते हैं थोड़ा ध्यान रखा जाए बस विवेकपुर बाकी बहुत विकल्प नहीं करना इसका जो भवितव्य हो वो हो बहुत अधिक इसके हिसाब से अपने को चलने की जरूरत नहीं तो ये देहादि प्रतिबंध अभी इंद्रियों की शक्ति इंद्रिया तो कम होगी ना नहीं होगी अब धीमे धीमे अपने कान में सुनाना बंद कम होगा पहले अपन व्यक्ति जतक में बीस साल का था ना उस समय जैसा वैसा वैसा रहना चाहिए परिवर्तन को स्वीकार किया जाए आप वैसा न देख सकेंगे न वैसा बोल सकेंगे न वैसा सुन सकेंगे वैसा कुछ नहीं कर सकेंगे न वैसा भोग सकेंगे इसलिए परिवर्तन को स्वीकार किया जाए जैसा है जितना साथ देते हैं उतना लेना बाकी नहीं लेना और जितना आपने साथ दिया उसका धन्यवाद है बाकी चलते है। पर हम परिवर्तन स्वीकार नहीं है एक भी बाल सफेद नहीं होना चाहिए हाँ। हो जाए तो काला कर देते दिखना नहीं चाहिए तो क्यों नहीं हो भाई <laughs> वो होगा ना वो उसका परिणमन कर रहा है अच्छा है होने दो जो हो रहा है वो होने अपने को क्या करना है इसके परिणमन को केवल जानते रहना क्या हो नहीं सहन हो तो थोड़ा बहुत कर ले और संकल्प विकल्प प्रतिबंध ये सबसे निकट है ये निकट निकट आ रहे हैं लोक प्रतिबंध वो दूर थे फिर उससे निकट स्वजन थे उससे निकट अपना शरीर इंद्रिया ये थे और सबसे निकट संकल्प विकल्प उसको दूर करने के लिए क्या करना यही सबसे बड़ी बात है इसका उत्तर मिल जाए तो बाकी सबका उत्तर मिल जाए क्योंकि बात चालू यहां से होती है सोचे संकल्प विकल्प क्यों होते और सोच करके उनको संकल्प का मतलब होता है मैं ऐसा करूंगा अथवा मैं ऐसा नहीं करूंगा कुछ भी करने की अथवा न करने की हमारी जो बुद्धि चलती है प्लानिंग है उसका नाम संकल्प मैं सत्य बोलूंगा यह संकल्प है मैं झूठ नहीं बोलूंगा यह संकल्प मैं इसको मारूंगा ये संकल्प है मैं इसको नहीं मारूंगा ये संकल्प है मैं कभी भी भूलूंगा नहीं ये संकल्प है कोई भी संकल्प दोनों प्रकार के हैं अच्छे और परंतु जैसे ही हम संकल्प करते हैं और हमने नवीन संतति को बांध लिया समझ में आ रहा है संकल्प ही संसार का मूल है क्योंकि विकल्प तो संसार संकल्प का फल है हमने जैसे संकल्प किए हैं जैसी भावनाएं की हैं भावना को संकल्प को विचार को ये सब एक है उसी प्रकार से हमारे विकल्प होंगे जैसे जैसे हमने इच्छा की क्या संकल्प किया आज तो सिनेमा देखने जाना है ये क्या कर लिया संकल्प कर लिया जैसे ही संकल्प किए अब आपके उसी के अनुसार सारे विकल्प होंगे तो सबसे पहला विकल्प क्या होगा कौन से शो में जाना पहला विकल्प दूसरा विकल्प ये होगा कि कौन से सिनेमा घर में जाना तीसरा विकल्प यह होगा कि भाई कौन सस्ता है ने, कौन महंगा है चौथा विकल्प यह होगा कि भाई कौन कौन सी मूवीज लगी हुई है पांचवा विकल्प यह होगा कि किस किस को साथ में लेकर के जाना छठा विकल्प यह होगा खाने पीने का क्या करेंगे सातवा विकल्प यह होगा कि अपने यार दूसरा कोई काम तो नहीं है उसको देख लेते हैं ऐसे विकल्पों की जाल फिर कैसे जाएंगे ऑटो से जाएंगे कि कार से जाएंगे कि अपने कोई मेट्रो ट्रेन से जाएंगे किस प्रकार ये सारे विकल्पों की जाल पैदा कहां से हुई संकल्प से संकल्प कर लो विकल्प अपने आप होंगे विकल्प करने नहीं पड़ते हैं विकल्प औदयिक होते हैं आपने पहले संकल्प किया आपके वो संस्कार बन गए अब उसका उदय आएगा अपने आप विकल्प होंगे करने नहीं पड़ते हैं विकल्प विकल्प अपने आप इसलिए तो लोग कहते हैं हूँ कहीं विचार तो नहीं मारा विचार आवेज करे ऑटोमेटिक आवेज, पर वो ऑटोमेटिक ही आएंगे क्यों क्योंकि तूने पहले ऐसे संकल्प ऐसी भावनाएं की थी उसका उदय आ रहा है और जैसी भावनाएं की थी वैसा उदय आ रहा वैसा विकल्प आ रहा इसलिए संसार का मूल है वो संकल्प है इसलिए हमको विकल्प भी नष्ट नहीं करना है हमको तो नवीन संकल्प नहीं करना है बस तो अब आश्रम तो रुक गया एक तरफ का तो अब तो जो सत्ता में बाकी है वही विकल्प आएंगे और नवीन संकल्प हो नहीं रहा है तो कब तक रहेंगे समाप्त हो जाएंगे तो कैसा संकल्प करना संकल्प नहीं करने के लिए ऐसा संकल्प करना कि मुझे कुछ संकल्प नहीं करना है। अब मुझे कुछ नहीं करना है मुझे न तो किसी की हिंसा करनी है न ही अहिंसा करनी न झूठ बोलना है न सत्य बोलना है मुझे तो बोलना ही नहीं है क्यों क्योंकि मेरा स्वभाव है ही नहीं वो मुझे न तो किसी को बचाना है न किसी को मारना है क्योंकि बचाना और मारना स्वभाव ही नहीं है ना जो अपना स्वभाव है वैसा ही संकल्प करो कि अब मुझे अपने स्वभाव में रहने का ही भाव करना है और कोई भाव तो करना ही नहीं है उससे विकल्प होंगे आप ऐसा भी पॉजिटिव भी संकल्प कर लोगे ना कि आज से मैं सबकी रक्षा करूंगा अब आपको रक्षा करने के विकल्प आएंगे अब आप फंसे अब आपको किसी के भी तकलीफ होगी ना तुरंत उसके विकल्प यार में रक्षा राजा जब राजा बनता है ना और सेनापति जब सेनापति बनता है तब ऐसे संकल्प करता है अथवा कोई सैनिक कि मैं आज से देश की रक्षा करूंगा राजा कहता है आज से मैं पूरे सबका रक्षक हूं अब देश के किसी भी कोने में कुछ भी होता है तो नींद किसकी उड़ती है मोदी जी की कहीं भी होगा क्यों उन्होंने संकल्प किया है कि मैं देश की रक्षा करूं जब प्रतिज्ञा की थी यही संकल्प आपकी नींद उड़ा कर रखता है समझ में आ रही बात मोक्ष मार्ग ऐसा है भाई बड़ा कड़वा है कुछ नहीं स्वभाव में रहने की भावना बस कि आज से मैं नया कुछ आश्रम नहीं करूंगा जैसा स्वभाव है वैसा ही रहना है बस यही मेरी भावना है यही मेरा चिंतन है यही मेरा विचार है नया कुछ नहीं करना न अच्छा ना बुरा फिर अपने आप होता रहेगा वो अब जो बुरा नहीं करना चाहता अच्छा ही नहीं करना चाहता है, वो बुरा तो कैसे करेगा अच्छा भी अपने आप होता रहेगा ऑटोमेटिक जो अच्छा और बुरा दोनों नहीं चाहता है और केवल सच्चा चाहता है वो दूसरों के कल्याण में भी सहायक होता जाता है उसको आगे होके करने की जरूरत नहीं है कुछ ये संकल्प विकल्प प्रतिबंध दूर करने का उपाय स्वभाव की दृष्टि ये संकल्प विकल्प प्रतिबंध दूर करने का उपाय हमेशा अपने स्वभाव की दृष्टि स्वभाव की भावना किया करें बस किसी पचड़े में पड़े ही नहीं कि मुझे ये करना है ना वो करना है न परंतु तो बड़ा प्लानिंग करते रहते हैं जीवन का भी इतने साल बाद ये करूंगा इतने साल बाद ये करूंगा वो करूंगा फिर ये क्या होता है बताओ अपना सोचा कभी नहीं होता भाग्य करे सो प्लानिंग तो बड़ी करी थी दशरथ राजा ने सुबह हम राम जी का राज्याभिषेक करेंगे और क्या हुआ तो ऐसा सोच नहीं क्यों ऐसी प्लानिंग ही कहीं को करनी जो होगा उस समय देखा जाएगा नो no प्लानिंग इसलिए मुनिराज होते हैं वो विचरे उदय प्रयोग कोई प्लानिंग नहीं होनी जैसा उसके उदय है आगम के अनुसार अपनी क्रिया करते हैं कोई नहीं यहां जाएंगे नहीं यहां इतने दिन ठहरेंगे नहीं ये करेंगे न वो करेंगे नो जैसे ही आपने प्लानिंग फंस गए इसलिए आप किसी साधु पुरुष के पास जाओगे ना वो कहेंगे महाराज आप हमारे वहां पधारना ना तो वो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम आएंगे देखेंगे वो क्या कहेंगे यथा अवसर देखें और अगर उन्होंने वचन दे दिया तो उनको आना ही पड़ेगा और अगर उन्होंने ये कहा कि हम आएंगे ही, तो उनकी तत्वनिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह हो आपने कैसे या तो आप अवधि ज्ञानी हो इसलिए जान लिया आपने कि हम वहां वो पर्याय होना ही वाली इसलिए तो आपने कहा कि होना ही इसलिए तो भीम ने ढोल बजाया था युधिष्ठर के कहने पर कि तुम भाई दान देते देते सांझ बढ़े तुम कल आना तो युधिष्ठिर ने ढोल बजाया ढोल तो बजाते हो तो हमारे बड़े भाई ने मृत्यु को ने काल को भी जीत लिया है कि उनको निश्चित पता है कि कल तक जीवित रहेंगे और वस्तु दे सकेंगे तो अपने को तो कुछ पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है कौन सी चीज इसलिए हम किसी को कैसे वचन दे सकते हैं तत्वनिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह हो हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए वचनों में फंसेंगे तो दशरथ जी की तरह होगा हाँ। किसी के साथ अन्याय हो जाएगा परंतु व्यवहारिक वस्तु में यह भी ध्यान रखना कि किसी को असमंजस में भी नहीं रखना बात समझ में आई नहीं तो अपन यहाँ किसी को कोई अपने कोई निमंत्रण दें कि हमारे यहाँ प्रवचन करवा तारीख हमारा छे कृपया आप पधार जो अब हम ऐसा कहें हमारी अनुकूलता होगी तो उस समय देख लेंगे और वो क्या समझेगा <laughs> वो तो लास्ट समय तक असमंजस में ही रहेगा उसको क्या कहना पड़ता है या तो आप स्वीकारो मत और को तो कहना कि क्या भाषा बोलना है समझना है अपने कि हम अपना पूरा प्रयत्न करेंगे अगर कोई बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट कारण इंपॉर्टेंट कारण क्या या तो हम हॉस्पिटल में हैं या हम बेडरेस्ट पे हैं ऐसा कोई विशिष्ट कारण आ गया तो शायद हम नहीं आ सके बाकी तो हम हंड्रेड परसेंट आएंगे वो आश्वस्त रहता है उसके विकल्प कम होते हैं उससे नहीं तो आप ऐसी गुगली करते रहोगे ना तो लास्ट टाइम तो बिचारा वो उलझा हुआ ही रहेगा क्या सो खबर महाराज आवश्यक नहीं आवसेगे आवश्यगे इसलिए दूसरे के विकल्प न बढ़े ये भी ध्यान रखना दोनों चीजें ध्यान रखना ये सारा मार्ग है ना वो पूरा पूरा मार्ग कौशल्य का है विवेक का मार्ग एक पक्ष समझ करके व्यक्ति एक पक्ष में चला जाए आपको जो समझना है हम तो हमारे हिसाब नहीं दूसरे का भी ध्यान रखना है उसी समय कि उसके भी विकल्प न बढ़ें हमारे भी विकल्प न बढ़ें इस प्रकार के अपने को प्रयत्न करने तो ये सारे प्रतिबंध कम होंगे और हम इस समस्त प्रकार के प्रतिबंधों का त्याग करके अपने स्वरूप में रह सकते हैं और हमारा संसार परिभ्रमण है वो निश्चित रूप से अटकेगा जे, जे योग्य छे तहां बोते त्या, त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जनए सदगुरु परम कृपालु त्रिलोकना की जय सब संतन की जय आनंद घन ओ एक मिनट में ओ shanti 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 there